दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कैसे पॉजिटिव प्राणिक फूड यानी कि एक ऐसे सात्विक भोजन के बारे में बताएंगे जिसके फायदे जानकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आज जाकर मार्केट से वो चीज ना लेकर आए, आज से उसका सेवन करना ना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, आयुर्वेद में ड्राई फ्रूट्स को सबसे उच्चतम स्तर में पॉजिटिव प्राणिक फूड में गिना जाता है ना। उसके बाद में आती है जैसे हरी मूंग की दाल हो गई, अंकुरित वाली चने की दाल हो गई, फल हो गए, उसके बाद हरी सब्जियां हो गई, लेकिन सबसे टॉप लेवल पे उच्चतम स्तर पे रहते हैं ड्राई फ्रूट्स। और उनमें भी सबसे टॉप लेवल पे क्या रहता है? अखरोट, जिसको हम अंग्रेजी में वॉलनट बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में वॉलनट्स यानी कि अखरोट सेवन करने के इतने गजब के, इतने बेहतरीन फायदों के बारे में बताएंगे जो कि 99% लोगों को पता ही नहीं होते। आपको सही तरीका नहीं पता होता, जहां पर आपको बताया जाता है कि सुबह आपको इस तरह से सेवन करना है, गलत होता है वो, है ना। तो आज हम आपको इस वीडियो में तरीका भी बताएंगे, साथ में कौन कौन सी 10 से 15 बीमारियों को जड़ से खत्म करता है, प्लस कौन कौन से 10-15 इसके फायदे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में, प्लस किस तरह से इसका सेवन करना है। दोस्तों, अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके दिमाग के लिए इतना जबरदस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने नोटिस की होगी एक बात, आपका जो फ्रेंड होता है, आपका जो साथी होता है, आपका जो क्लासमेट होता है कॉलेज में, स्कूल में, या फिर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी भी IAS का, कोई भी बड़ी पोस्ट का, तो आपके साथ वाला व्यक्ति, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है, आपसे कोई भी चीज को कैप्चर करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्किल्स नए नए ढूंढने की एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। कारण क्या होता है? उसका माइंड काफी ज्यादा फोकस्ड होता है, कंसंट्रेशन पावर उसकी अच्छी होती है। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर लो रहती है, अगर आपका ध्यान एक चीज में अच्छे से नहीं लग पाता, आप कुछ याद नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होता है अखरोट का सेवन करना। सेवन किस तरह से करना, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो बचपन से ही आपको अखरोट खाने चाहिए, माता पिता को बचपन से ही बच्चों को अखरोट देने चाहिए। अगर आप बड़े हो चुके हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेवन कर सकते हैं। सेवन किस तरह से करना है? रात को सोते समय 2 से 3 अखरोट की गिरी को आपको पानी के बीच में भिगोकर रख देना है। सुबह जैसे उठते हैं सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद में अखरोट का सेवन करिए ताकि वो अच्छे से पेट में डाइजेस्ट हो पाए। क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके पेट में सुबह सुबह एसिडिटी का लेवल ज्यादा रहता है, तो अखरोट के पूरे पोषक तत्व को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आपके ब्लड में वो जाएंगे नहीं। इसलिए पहले पानी पिए, उसके बाद में अखरोट का सेवन करें जो कि आपने रात को पानी में भिगोए थे। चलिए बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आपको बालों के झड़ने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, बालों का उम्र से पहले सफेद हो जाना जिसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी बोलते हैं, बालों का पतला हो जाना, गंजापन बहुत ही ज्यादा देखा जाता है आजकल की आम युवा पीढ़ी में, मैं लड़का और लड़की दोनों की बातें कर रहा हूँ। लड़कियों में क्या होता है, जैसे वो नहा के बाहर आती हैं, कंघी करती हैं, बालों को धोती हैं, गुच्छे की मात्रा में बाल हाथ में आते हैं। लड़कों में क्या होता है, मेल पैटर्न बैल्डनेस यानी कि कोनों से आगे वाले हिस्से से बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, गंजापन आ जाता है। इसको दूर करने के लिए प्लस नए बालों को उगाने के लिए, जी आपने बिल्कुल सही सुना, नए बालों को उगाने के लिए, बालों की फिर से रीग्रोथ करने के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फायदेमंद होता है अगर आप इसका बालायाम के साथ में सेवन करते हैं। बालायाम क्या होता है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, एक तरह का व्यायाम होता है वो। अब सेवन किस तरह से करना अखरोट का, वैसे ही आपको रात को पानी में भिगो देना, सुबह उठ के 3 से 4 गिरी का आपको खाली पेट पानी पीने के बाद में सेवन करना है। जिनको बालों के झड़ने से संबंधित या फिर बालों का उम्र से पहले सफेद होने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, उनको आंवले चूर्ण का भी सेवन करना चाहिए अखरोट के साथ, बहुत ही गजब का होता है, जबरदस्त होता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, आजकल की यंग जनरेशन का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण रात को देर देर तक जागते हैं ना, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं और उल्टी सीधी चीजें करते हैं। आपको पता है मैं कौन सी उल्टी सीधी चीजों की बात कर रहा हूँ? ऊपर से आपका भोजन अच्छे से नहीं रहता है, वातावरण पोल्यूटेड हो चुका है, आप खाने में रॉ चीजें नहीं खाते हैं, यानी कि आयुर्वेद में लिखा गया है 40-60% आपका कच्चा भोजन होना चाहिए, जो कि आप उल्टा जंक फूड खाते हैं, तेल वाली चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। उसके कारण क्या होता है, आपके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, एजिंग आपकी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर रात को जो देरी से जागते हैं, उल्टे गलत काम करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि मास्टरबेशन हो गया, उसके कारण क्या होता है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, सूज जाती हैं आंखें, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, माथे पे झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरा एकदम डल हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अखरोट बहुत ही जबरदस्त होते हैं। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है,
विटामिन B12 पाया जाता है, बायोटीन पाया जाता है, जो कि आपके बालों के लिए, साथ में आपकी आंखों के लिए और आपके स्किन के लिए झुर्रियों को दूर करने के लिए प्लस एजिंग को डिले करने के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह खाली पेट अखरोट खाने से जिन लोगों के शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, काफी ज्यादा आलसपन रहता है, शारीरिक दर्द बहुत ज्यादा रहता है, अंदर से काफी ज्यादा कमजोरी फील होती है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त होता है एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। इसको सुपर फूड की कैटेगरी में गिना जाता है, तो आपको जरूर एटलीस्ट थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम की मात्रा में डेली सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिनको खून की कमी रहती है या फिर कैल्शियम की कमी रहती है, कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, प्लस खून की कमी को दूर करने के जो पोषक तत्व होते हैं वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको इनका डेली सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हाई बीपी की यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होता है, रात को पानी में आपको अखरोट भिगो देना, सुबह उठ के 5 से 6 गिरी का आपको सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना अखरोट का सेवन करना हृदय रोगों से भी दूर रखने में काफी ज्यादा मदद करता है ना। हार्ट अटैक आने की समस्या काफी आम हो चुकी है आजकल, हाई बीपी के कारण, हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण क्या होता है, हार्ट पे काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, ब्रेन स्ट्रोक आने की आपको समस्या हो सकती है, प्लस हार्ट अटैक आने की आपको समस्या हो सकती है हाई बीपी के कारण, हाई डायबिटीज के कारण, तो उनसे बचाने में अखरोट आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए, आपको हो ही नहीं सकता अगर आप सेवन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जो लोग काफी ज्यादा दुबले पतले रहते हैं, शरीर को फौलादी बनाने में, एकदम सांड जैसी ताकत देने में भी काफी ज्यादा मदद करता है अखरोट का सेवन करना, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।